Hey guys, I am Bhagyashree. Welcome to Cook with Shagun. तो फ्रेंड्स, आज हम कुक विद शगुन में बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चना दाल वड़े, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक केरला स्टाइल में हम बनाएंगे, जो शाम को आप चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में उसको शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्रिस्पी चना दाल वड़े। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें मैंने डाला है 1.5 कप चना दाल। जो चना दाल है उसको हम 2 बार पानी से वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये साफ़ हो जाएंगे, इसमें जो भी कचरा हो या कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे और वो पानी हम इसमें से निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें और 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसको पूरी रात हम सोक करने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इसको 4-5 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और एक ढक्कन ढक के मैंने उसको 6-7 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होगा कि जो हमारी दाल है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो 7 घंटे के बाद हमारी दाल एकदम अच्छी तरह से भीग चुकी थी और इसको मैंने 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें से 1/2 कप हमारी जो ये चना दाल है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि इसको हमें बाद में ऐड करना है। मिक्सिंग जार लिया है, उसमें हम हमारी जो ये चना दाल है भिगोई हुई उसको हम डाल देंगे और इसको हमें ग्राइंड करना है। बट हमें इसे क्या करना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बना है, थोड़ी दरदरी पीसनी है। तो मैं एकदम पूरा नहीं डाल दूंगी, मैं आधा आधा करके उसको पीस लूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने कैसा पीसा है उसको, थोड़ी सी दरदरी रही है और एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमें, एकदम थोड़ी थोड़ी दरदरी रखनी है। बस इसी तरह से मैं जो बाकी बची हुई दाल है उसको भी मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी दाल पीस ली है। अब उसके बाद क्या करूँगी, जो साइड में मैंने 1/2 कप चना दाल रखी थी उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चना दाल ऐड कर ली है। उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया था, वो मैंने डाला है, वो पेस्ट नहीं बनाई है, बस ऐसे क्रश किया है, तो मैं वो डाल रही हूँ। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने हरी मिर्चें ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और बड़ा सा एक अनियन लिया था, उसको रफली चॉप करके वो हम डाल देंगे। उसके बाद हरा धनिया है, उसको भी पानी की मदद से अच्छे से वॉश कर लिया है, तो हम हरा धनिया भी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मैंने 7 से 8 करी पत्ते लिए हैं, उसको मैंने हाथों की मदद से तोड़ लिया था, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है इस चना दाल वड़े में, तो वो स्किप मत करिएगा, वो ज़रूर डालिएगा। तो वो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 बड़ी चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने हींग डाला है। तो बस हमारा जो ये मिक्सर है हम हाथों की मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने अपने हथेलियों पर तेल लगा लिया, इससे क्या होगा कि जो ये बैटर है वो चिपकेगा नहीं। तो इसको हम एक थोड़ा सा इसका एक पार्ट ले लेंगे और उसको एक राउंड बॉल बना देंगे, जो आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से उसको अच्छी तरह से एक राउंड सा बॉल बना दीजिए। और उसके बाद इसको क्या करिएगा, दोनों हथेलियों की मदद से उसको प्रेस करिए, एकदम जेंटली प्रेस करना है, वरना ये किनारे से टूट जाएगा। तो इसको इसी तरह से आप प्रेस करिए और बीच में से थोड़ा सा मोटा रहेगा और जो किनारे है एजिस वो थोड़ा सा पतला रहेगा। तो बस इसी तरह से ये वड़े बनते हैं। इसी तरह
तरह से हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। और आप क्या करिएगा, एक साइड कढ़ाई रख दीजिएगा तेल गर्म होने के लिए, और उसके बाद क्या करिए, एक साइड आप हाथों की मदद से उसको वड़े को सेप देते रहिए और एक साइड आप तेल में तलते रहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप सब वड़े को सेप दे देंगे और प्लेट में रख देंगे ना, तो वो एक साइड टूट जाएगा। तो आप एक साइड तलिए और एक साइड इसको बनाते रहिए, बस वैसे ही काम करना है, तो अच्छी तरह से आपके वड़े बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप सारे वड़े बना के प्लेट में रख देंगे, उसके बाद आप फ्राई करेंगे तो एक एक लेंगे तो वो टूट सकता है। आपको प्रैक्टिस हो तो कोई बात नहीं, वरना ये टूट जाता है। तो आप संभल के इसी तरह से करना, एक साइड आप तलना, फ्राई करना और एक तरफ उसको शेप देना। बस इसी तरह से करेंगे तो आपके ये चना दाल वड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमारा तेल एकदम अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे हमारे जो वड़े हैं वो हम फ्राई करेंगे। जब आप वड़े कढ़ाई में डालो तब क्या करना कि गैस की फ्लेम हाई रखना। उसके थोड़े देर बाद आप क्या करिएगा, गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसको ऐसे तरह मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे। ये करीबन 2-3 मिनट ले लेते हैं, बट वो अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाते हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बन जाते हैं। तो बस आप इसी तरह से उसको फ्राई करिएगा। तो आप देख सकते हो वड़े एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं बाहर से और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर भी उसका आ चुका है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे वड़े उसको धीरे धीरे करके सब फ्राई कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसी तरह से सारे वड़े को फ्राई कर देती हूँ। इस क्रिस्पी चना दाल वड़े को आप चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो और आप कोकोनट चटनी के साथ भी उसको एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको सांभर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, सांभर और कोकोनट चटनी के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।